ये मैंने लगा रखी है सोल्टी, मम्मी ने हमारे लिए ला रखे हैं ये मीठे मीठे कापल। अभी का उसी की पूजा का है वो। हाँ तो इनकी भैंस प्यार की है, गौशाला भैंस में दूध निकालने के लिए। सबसे पहले सभी दगड़े होते हैं प्यार भरो प्रणाम। मैं पूजा भंडारी फिर से आ गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। नए ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 7 बजे से, और आज मौसम पूरा ख़राब हो रखा है क्योंकि कल पूरी रात भर बारिश आ रही थी। कल शाम को 5 बजे से बारिश स्टार्ट हो गई थी और पूरी रात भर बारिश आ रही थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, हमारा जौ और ये जंगली जानवर मृग वगैरह आते हैं तो उन्होंने ये पूरा आधा आधा करके खा दिया है। तो इनकी जड़ें जड़ें रह रखी है। मृग और जंगली जानवरों ने पूरी फसल बर्बाद कर दी है। ऐसे ही हो रखे हैं सबके गेहूं वगैरह। तो लोग भी नीचे पे बहुत सारे आ रखे हैं ऐसे गेहूं को लेने के लिए, घास के लिए। तो हम भी निकालते हैं अब जल्दी। हाँ उधर वाले गाँव में। तो अब हम जल्दी जल्दी निकालेंगे इसको क्योंकि अब धूप भी पड़ रही है तो हमें होगी गर्मी है सिमू, तो इसलिए हम जल्दी जल्दी निकालेंगे। तो यहाँ से करते हैं हम इसको स्टार्ट। और यहाँ पे ना सुअर वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं जंगली जानवर, तो उसके लिए ये कट्टे पे ऐसे बना के डाली ना उसमें अपनी खुजली मिठा रहे ये उनको डराने के लिए लगा रखा है, पर वो इससे डरते नहीं हैं, वो इस पे खुजली खुजलाते हैं। चलो मैं फिर अब तब हम करते हैं जल्दी जल्दी से अपना काम। बाय बाय।
घास हो गया है ये, तो अब चलते हैं हम घर की तरफ, क्योंकि यहाँ से जाके हम दोनों को नहाना भी है, कपड़े भी धोने हैं, उसके बाद खाना बनाएंगे। और मौसम हो गया अभी फिर से ख़राब, तो शाम तक शायद फिर से बारिश आ जाएगी। हम लोग आ गए हैं घर पे और पापा जा रहे थे सुबह से उधर वाले मार्केट में, हमारे लोकल मार्केट में, तो वहाँ से पापा ने हम दोनों के लिए ला रखा है कुरकुरा और लेज, और ये लेके आ गई है अंगूर। बाकी अभी पापा जा रहे हैं उधर वाले चक्की में धान कूटने के लिए, धान कूटने के लिए देर खा था तो उसी को लेने के लिए जा रहे हैं, तो मम्मी भी आ गई है। तो अब हम लोग करते हैं लंच की तैयारी, नहाने की तैयारी। हाँ, ये कर रही है नहाने की तैयारी और मुझे करनी है लंच की तैयारी। और उधर से आ रहा है सौरभ हमारे लिए कुछ लेके, क्या लेके आ रहा है किसने दिया वो? अच्छा, तो इनकी भैंस प्यार की है, उसी की पूजा का है वो। हाँ, तो इनकी भैंस प्यार की है, तो भैंस के 9 दिन बाद कुछ पूजा होती है, तो उसी का प्रसाद लेके आ रहा है। हाय तो कर देता आजा कुछ। मम्मी आ गई है उधर पे लकड़ी लेके, और मम्मी ने हमारे लिए ला रखे हैं ये मीठे मीठे कापल, अभी कच्चे हैं। हाँ, अभी कच्चे हैं, अभी इनके अंदर हड्डियाँ भी नहीं आ रखी है, पर ये पकने जैसे लगे हैं, लाल लाल हो गए ये। तो ये होते हैं कब होते हैं, जून में, हाँ मई जून में होते हैं ये तैयार। तो मम्मी ले आई हमारे लिए, वहाँ पे हमारा बहुत बड़ा पेड़ है कापल का। गाइज, दीदी ने बुआ के हाथ पे चूड़ी डाल चुकी है, सजा दी है। बुआ कुछ बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे? देखो केला मुझे आई जो बंगाला चूड़ी, मेरी पूजा लम मंगाए बंगाला चूड़ी, पूजा ने मंगाओ मम्मू मंगाओ मम्मू मंगाओ। गाइज, आज मैं बड़े दिनों के बाद आ रही हूँ गौशाला भैंस में दूध निकालने के लिए, और मैं शायद 1 साल बाद निकाल रही हूँ, तो हमारी भैंस ने मुझे पहचान लिया है, मुझे लगा नहीं देगा और दे दिया उसके, बहुत अच्छी भैंस है हमारी। तो मैं आ गई हूँ दूध लेके, और आज हमने बड़े दिनों बाद बचपन का टेस्ट याद निकाला है। ये कढ़ाई में हमने भात गरम कर रखा है, और ये इस वाली कढ़ी का जो मज़ा ऐसे बासी भात खाने में है, वो मज़ा फ्रेश फ्रेश खाने में नहीं है, तो हम दोनों तो अभी इसे खा रहे हैं। ये गरम कर रखा है हमने, और बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहा है ऐसे करके। कैसा हो रहा है? अवल हो रहा है। और इसको देखो, ये कहीं भी जा रही, इसको लेके साथ में है ये। हाँ चीची, हमारा डिनर भी बन गया है, और आज का हमारा डिनर स्पेशल है, ये है गर्मा गर्म खीर, और सिम्मू का हिस्सा है ये वाला, ये से एक हिस्सा खा लो, और ये हम दोनों का हिस्सा। अब हम लोग करते हैं डिनर, तो आज के इस ब्लॉग को भी कर देते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप कमेंट करो मैं कैसी लगी आपको। हाँ, कमेंट में बताना कि हमारी छिम्मू कैसी लगी आपको, सिमरन है इसका नाम, सिमरन करके बताना। बाय।